मेरे गांव सहजावास में पधारने पर मैं अपने गांव में आए हुए सभी अतिथि व मुख्य अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गांव सहजावास में उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक विधायिका जी वंदना जी, हमारे पूर्व चुनाव लड़े थे हमारे बीच हमारे भाई रोहतास बेदी जी, हमारे बहुत ही पूज्य बहुत ही हमारे मार्गदर्शक रवि कालरा जी, मेरे बड़े भाई क्या मेरे चाचा श्री मनोज प्रधान जी और हमारे राघव जी, गुलाब भाई वकील साहब, हमारे क्षेत्र के जितनी सुरीली आवाज जितनी इनकी है शायद ही किसी की है और शायद ही कोई मंच हो जिस पे हमें इनका वक्तव्य ना मिले। एक बार जोरदार ताली भाई वकील साहब के लिए। और भी जो मेरे जिनको मैं परिचय नहीं जिनसे नहीं है उनसे क्षमा चाहता हूँ। सभी का यहाँ पे पधारने पे दिल की गहराइयों से आभार धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम युवा एकता इंडिया फाउंडेशन, जो हमारे बच्चे बलराम कुमार ने किया, मैं आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा इस बच्चे का। यह हमारा बहुत ही अजीज और प्रिय बालक है और अपनी आसन से बाहर हमारे कहते ना हमारी एक क्षमता से बाहर जाके कार्य करता है और ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में जो अपना निस्वार्थ अपना स्वयं का लालच छोड़ के दूसरों के लिए कार्य करे। तो ऐसे ही एक हमारे बीच महान महाभूति महान हस्ती महान शख्सियत शायद मेरे मुखमंडल में ऐसे शब्द कुछ नहीं है जिनकी तारीफ में बोलूं, रवि कालरा जी। एक बार आप खड़े होकर एक बार सबका एक बार देखिए, यही कवि रवि कालरा जी है जिनको बिल्कुल ही एक ईश्वरीय पुत्र जो भगवान का सच्चा बेटा है ऐसा काम करते हैं। इनका जो है ये बंधवाड़ी में है जो निहायत गरीब ऐसा है जिनको जिनकी कहीं दुनिया में जगह नहीं हो उनको ये जगह देते हैं। तो एक बारी ऐसे महान शख्सियत के लिए जोरदार ताली बनती है। हमारे एमएलए साहब जी वंदना जी से हम कम परिचित है लेकिन हमारे भाई संजय जी से हम बहुत बचपन से परिचित है और हर छोटे से ही आज भी पहले बचपन से भी और आज भी वो बहुत अच्छे सुशल काम करते हैं तो वाकई में ही काबिल तारीफ है। बगल में उपस्थित में छोड़ के थे हमारे युवा हमसे भी छोटी उम्र है, उम्र पे मत जाओ लेकिन इनकी जज्बे पे जाओ, बहुत ही युवा हमारे नाबालिग भाई हमारे बड़े रणवीर बाबू जी जो बचपन में अच्छे प्लेयर थे फुटबॉल प्लेयर थे जो उनकी उस टाइम क्षमता थी एनर्जी थी काम करने की आज भी चूंकि बरकरार है। एक बार ताली बनती है बाबू जी के लिए। और भी सभी हमारे जो भी हमारे आए तो एक बार जो ये युवा एकता इंडिया फाउंडेशन बलराम कुमार की संस्था है तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इस बच्चे के लिए मेरा तो अपना तो मेरा को खास परिचय नहीं है, मैं एक छोटा सा योग शिक्षक हूँ और कुछ वर्षों से योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से लोगों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ पिछले कुछ सालों से और एक छोटी सी संस्था भी है हट योग आयुष इंडिया फाउंडेशन, ये सारे कार्य इसी के अंतर्गत करता हूँ। बाकी आज जो एक सुंदर कार्यक्रम किया है और ये बच्चे हैं मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, ये बच्चे हमारे आसपास के ही है और कुछ हमारे कॉलोनियां भी है यहाँ पे बगल में, आप जो रोड साइड होंगे तो दाएं बाएं में आपको आपको दिख होंगे उनके बच्चे हैं। तो ये बलराम अपने अपने समय में से समय निकालकर इनको पढ़ाने का कार्य करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। तो मैं एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि ऐसे बच्चे की जरूर मदद करें, जितनी बन पाए आपको इसकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।